Can you love each other at least in the video? No. Still drive me crazy. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी ज़िंदगी में। मेरा नाम है सिमोर एंड मेरा दिन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हिम्मत को स्कूल बस स्टॉप पे छोड़ते ही मैं अपस्टेयर्स आके मेरा स्किन केयर कर लेती हूँ ताकि मेरा दिन रेडी हो जाऊँ मैं दिन के लिए। आज मेरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन थी सुबह। स्किन केयर के लिए मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, पर हम एक अपडेटेड वीडियो भी जल्दी ही बनाएंगे। मैं स्किन वॉश करने के लिए सैरवी का हाइड्रेटिंग क्लिनजर यूज़ करती हूँ एंड देन ड्राई करने के लिए हमेशा पेपर टॉवल, क्योंकि वो मुझे हाइजीनिक लगता है। एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम मेरे मेकअप रूम में है जो कि है ओरिजिन की जिनसिंग। आप मेरे चेहरे पे स्कार्स देख सकते हैं, पर मेरी स्किन की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, ग्लोई है, सब कुछ अच्छा है, बस स्कार्स हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके? आप देख रहे होंगे कि मैं इतनी तैयारी में कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मैं कहीं पे जा नहीं रही हूँ, मैं क्लिक कर रही थी पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम के लिए। सो अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ मैं। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर रहे थे, तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्राईपॉड चाहिए और मुझे म्यूज़िक चाहिए, और हज़ारों पिक्चर्स क्लिक करती हूँ उनमें से एक ही मुझे अच्छी लगती है। सो या लेट्स डू दैट। ड्रीम एंड लव म्यूजिक मुझे बहुत ही ज्यादा लाउड चाहिए, तो इसलिए सिर्फ नन्नी मन्नी वासे नहीं चलता। ओके दोस्तों, अगर आप रियलिटी देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस स्वेटर के नीचे मैंने पहनी है लेगिंग। जस्ट अ सेकेंड। सो जितना पिक्चर में आएगा हम उतना ही सजाते हैं, बाकी सारा वैसे ही रहता है। सो मुझे लगता है कि इस लुक में मुझे एक पिक्चर अच्छी मिल गई। अब मैं एक और लुक में क्लिक करूँगी, देन मैं घर की क्लीनिंग करना शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि आज है फ्राइडे और आज मुझको घर क्लीन करना है। और मेरी हालत के हिसाब से हम ना क्लीन करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करूँगी तो फिर मैं थक जाती हूँ और मेरी फिर बहुत पेन करेगी। सो इसलिए हम हर एक रूम को थोड़ा थोड़ा टच देंगे ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए, फील हो जाए। ऐसे डीप क्लीन नहीं कर रहे हम, हर कुछ स्पीड क्लीन कर रहे हैं। अभी मैं एक दो और डिफरेंट लुक्स में फ़ोटो खींचूंगी एंड देन हम शुरुआत करेंगे हाउसवाइफ ड्यूटीज़ की। यस एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एक्चुअली आई एम नॉट। हेलो दोस्तों, सो आई एम बैक अगेन। फ़ोटोज़ खींच के अब मेरा प्लान था कि मैं क्लीन करूँगी, जैसे मैंने अर्लियर बताया। आपको मेरी आवाज़ में भी थोड़ा डिफरेंस लगेगा। मेरा प्लान था कि हर चीज़ को थोड़ा स्पीड क्लीन कर लूँ, और अचानक से अचानक से मेरे सर की बैक साइड पर पेन होने शुरू हो गई है बहुत। अगर आपको रूमेटॉइड है तो आपको पता होगा कि होती है ये पेन। एक्चुअली जब आपकी बैक और नेक बहुत पेन करता है तो ये सर का ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा पेन करनी शुरू कर देता है। इसके लिए क्या करें समझ भी नहीं आता। सो सारे प्लान हो गए हैं चौपट, कुछ नहीं करूँगी मैं तब जब तक हो गए नहीं। उसे उदास हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि घर को क्लीन करें, क्योंकि जब घर क्लीन होता है तो आप अच्छा फील करते हैं, पर अब होगा भी नहीं। और मुझे लगता नहीं है कि ये दर्द से ज़्यादा ज़रूरी है घर को क्लीन करना। सो या अभी कुछ देर पहले मैं अच्छी थी, अच्छी एनर्जी थी मुझ में। और लास्ट व्लॉग जो आपने देखा है जिसमें हम इटालियन में गए थे, वहाँ पे भी मैं कितनी खुश थी कि पेन नहीं हो रही थी उस दिन मेरी बॉडी के किसी पार्ट में। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, बट दैट वॉज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, बट द पेन्स बैक। बट आई होपफुली विल गेट बेटर, इट्स ओके, होता है यार। सो मैं थोड़ा आराम करती हूँ और वापस आऊँगी बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, क्योंकि इतना ढिल्ला हो गया था मैं बैठ नहीं सकती। ओ गॉड, मेरा ना सर दुखता है मैन। 10-15 मिनट का छोटा सा नैप लेती हूँ। ओके, हम एनर्जी के साथ बोलने की कोशिश करूँगी, यू नो, लाइक फेक इट अंटिल यू मेक इट। सो वी गोना डू दैट। माय फेस इज ग्लोइंग, आई एम सो ब्यूटीफुल। ओके, लाइट बहुत अच्छी है। ऑल राइट, सो हम करेंगे थोड़ा सा आराम और उसके बाद कोशिश करूँगी मैं वापस आने के लिए पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि आज मेरा घर क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि बहुत क्लटर है मैन, हर तरफ कपड़े हैं हर तरफ। और कुछ तो मैंने कर भी लिया था, लाइक अर्लियर बताया स्पीड क्लीन कर लिया था मैंने। सो या कोई गल नहीं यार, वो चलता रहेगा और
या थोड़ा जब मजा करके मिलती हैं थोड़ी देर बाद. ओके बाय. यहीं पे सोने वाली हूँ मैं. एक्चुअली कैमरा बंद कर देती हूँ क्योंकि लेट के बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ये फ्लोर पे लेटने वाली हूँ मैं थोड़ी देर के लिए. चंगा बाय. ओके सो मैं नीचे आ गई हूँ. आपको पता है मुझसे आराम होता नहीं है, तो मैंने अपने लंच के लिए परौंठी बना ली है एक ग्रीन चिल्ली डाल के, क्योंकि मेरा बहुत मन है ग्रीन चिल्ली वाली परौंठी खाने के लिए, लाइक स्पाइसी खाने के लिए. तो एक ही बनाई है, इस पर मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है. यूजली इस टाइम मैं रोटी खाती नहीं हूँ, पर आज मेरा मन है सो रूल्स टूट चुके हैं. तो यहाँ एक रोटी खाएंगे, साथ में चाय पियेंगे, और इसके साथ मैं अचार भी खाऊंगी. ये हैप्पी. सो खाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ. जैसे मुझे चैन नहीं आता है, बैठ नहीं सकती हूँ, या फिर मैं आराम नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ तो करना होता है. लाइक अगर मेरे दिन में मैं एक भी टास्क कर लूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ तो फिर मुझे बहुत बुरा फील होता है. सो सबसे पहले मैंने मेरे किचन के काउंटर्स को क्लियर कर दिया है, और जो भी बर्तन धोने वाले हैं उनको मैंने डिश वॉशर में लोड कर दिया है. मैंने सुबह आटा गूंदा था तो उसे मैं निकाल के रख लूँगी कंटेनर में फ्रिज में रखने के लिए. और अब हम काउंटर्स को क्लीन कर देंगे मेरे DIY क्लीनर के साथ, जिसमें है पानी, विनेगर एंड थोड़ा सा डिशवॉश सोप. तो यहाँ पे है हिम्मत के बहुत सारे लैगो जो उसने खिलार के रखे हैं. इसे हम इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये जब पैर में चुभते हैं तो जान निकल जाती है. वैसे भी मेरे पैरों में दर्द है, और जब ये उसमें लगते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है. सो इसलिए इनको सबसे पहले समेटेंगे. हाय गाइस, आई एम वोडी, व्हाट्स अप. डाउनस्टेयर्स सारे घर में मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ, बहुत ही सफाई से और बहुत ही धीरे धीरे. उसके बाद मैं वैक्यूम कर दूंगी कारपेट को, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं करते भी मैसी हो जाता है. उसके बाद हम पोछा लगाएंगे पूरे घर में. उसके लिए मैं वार्म पानी यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा नाइस एंड क्लीन हो जाता है. पोछा लगाने के बाद आप देखिए मेरा फर्श चमचमा उठा है, आप इसमें अपना चेहरा देख लें, और बहुत मज़ेदार लगता है मुझे. अद्दी बीमारी मेरी इसको देख के ठीक हो जाती है. मेरे पास पड़े हैं 15-20 मिनट, तो मैंने सोचा कि मास्टर बेडरूम का वॉशरूम भी क्लीन कर देती हूँ. सो काफ़ी सारा सामान काउंटर पे पड़ा था जो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है या गारबेज में जाना है, पर हम लेज़ी होते रहते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें जो बिन में जाएंगी बिन में डाल दी हैं, और बाकी को जगह जगह रख दिया है. और अब हम इसे सैनिटाइज कर देंगे, और वी डन. हिम्मत क्लीन कर रहा है. उसको उस दिन मैंने शवल लेके दिया था, आपने देखा होगा, और मुझे वो कह रहा है कि क्रिसमस है. उसे लगता है जब स्नो पड़ेगी मतलब क्रिसमस है. वो लड़का अभी भी प्ले कर रहा है, कह रहा मुझे 5 मिनट्स प्ले करने हैं. हिम्मत पता नहीं की बनाई जाता है कदा क्या. व्हाट यू मेकिंग? कैसे आ जाओ मिमी, आ जा. ओके 1 मिनट बाद आ जी. डन, आ जा. ओके. मैंने नाइस एंड कोजी सॉक्स पहनी थी, बाहर जाने से गीली होगी वो भी. मिमी शू बाहर ला क्या मम्मी. ओके दोस्तों, सो कितनी ज़्यादा देर के बाद वापस आई हूँ. मेरे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. ओके मैं वॉशरूम के डोर के आगे बैठी हूँ क्योंकि मैंने वॉशरूम को अभी क्लीन किया है. सो मैं बहुत पेन हो रही थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैंने परांठा बना के खाया, वो नन्ना साहब ने देखा. और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आराम ही करती हूँ. 2 बजे के अराउंड पेन काफ़ी कम होगी, तो मैंने सोचा कि मैं क्लीन कर लेती हूँ 2 से 3 का टारगेट बना के 1 घंटे के लिए. सो अराउंड 1 घंटे का प्लान था मेरा क्लीन करने का 2 से 3, क्योंकि 3 बजे के बाद हिम्मत आ जाता है. और फिर मैंने स्पीड क्लीन किया, अराउंड 40 मिनट्स लगे मुझे. फिर मुझे लगा कि 15 मिनट्स का टारगेट बना के ये वॉशरूम भी क्लीन कर लेती हूँ, और ऊपर वाला जो भी मुझसे क्लीन होता है मैं कर लेती हूँ. सो ये वॉशरूम का मैंने सिंक्स क्लीन किए हैं, टॉयलेट सीट की है, बात किया है, फ्लोर नहीं किया है, बाकी मैंने सब कुछ कर लिया. और अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं हिम्मत को भी लेके आई हूँ नीचे से.
विंडो से कुछ उड़ के उधर जाता हुआ दिखा, बहुत ही वाइट वाइट सा, मे बी स्नो का हो कुछ, मे बी स्नो हो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा विंडी है कुछ दिनों से। हिम्मत को बस स्टॉप से लेके आई हूँ मैं, और अब हम दोनों खाएंगे कुछ तो कुछ खाएंगे। और मैंने चाय भी बनाई थी अपने लिए रोटी के साथ खाने के लिए, पर चाय नहीं पी मैंने, मैं क्लीन करना शुरू कर दिया। चाय मेरी ठंडी ठीर हो चुकी है, सो हम बनाएंगे फ्रेश चाय की चुस्कियाँ लेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत एनर्जेटिक दिखाने की, पर एक्चुअली मैं थक गई हूँ मैन, ओ गॉड। आराम करते हैं, और सो या थोड़ा सा आराम करते हैं एंड उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मैंने किसी का ओके, एक बात बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो इफ यू गाइस गोना लाइक इट और नॉट लाइक इट, आई डोंट नो। जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप कंटिन्यूसली कैमरे की तरफ देख नहीं पाते हैं, कैमरा है तो कैमरा ही ना, जब आप कैमरे के साथ बात करते हैं या किसी बंदे के पास साथ बात करते हैं तो आप कंटिन्यूसली उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाते हैं, आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर भी चला जाता है, आपको आपकी पलकें भी झपकानी पड़ती है, आप सिर्फ ऐसे ही देख के बातें नहीं कर सकते। पर मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं आपके साथ आई कॉन्टैक्ट बना के बातें करूँ, और मैं करती भी हूँ, पर फिर भी थोड़ा इधर उधर देखना पड़ता है यार, ना कितना बंदा देख लो। Yes. Can you love each other at least in the video? Mimi, huggy Poochie Daddy, I'm making a video. No. Mimi, I'm making a video. Can you Poochie him? Can you guys act to be best friends at least? Daddy, no huggy Poochie kar. No, I don't want it. Poochie kar de, ek kar de. I don't want it. There you no one. Bad guy ever. Then why are you guys sharing popcorns if you no like each other? We're sharing this game. Hey, hey, Poochie, you. I saw it. He Poochie you. He love you. I saw it. Daddy, smile. It's तो रिमोट बहुत ज़्यादा zoom है. तो रे pores भी दिखन दे आ. ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪੋਰਸ ਵੀ ਦਿਖਣਦੇ, ਬਲੈਕ ਹੈਡਸ ਵੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਸੋ ਕਿਊਟ। ਸੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੋਂ ਕਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਆਈ ਨੋ ਵੀਅਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾ ਯਹੀਂ ਪੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਘਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਕਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਡਿਨਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਹਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਕੋ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੁਝੇ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੇ ਟਾਸਕ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਹੇਅਰ ਕੋ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਊਟਰੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਪਨੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਹੋਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤ ਭੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗੀ ਨਏ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ, ਐਂਡ ਡੋ ਨਾਟ ਫਰਗੇਟ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ, ਲਾਲੂ।